जिस तरह यूसीपी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से चुनाव हल्के के लिए आपको जो है उम्मीदवार को पहले ही अनाउंस किया गया था, ऐलान कर दिया गया था। आज बाकायदा आपको जो है दस्तावेजात के तौर पर बी फॉर्म जो है आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप मैसूर की आवाम से? अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी के दिन है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जिम्मेदार स्टेट से हमारे बी फार्म को हमारे इस दस्तर में हमारे जिम्मेदारों, आज हमारे जिम्मेदार स्टेट वाइस प्रेसिडेंट पुट्टनंजय सर हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट स्वामी साहब हैं, रफत भाई हैं, अब्दुल लतीफ साहब हैं, मिर्जा साहब हैं, इनका मौजूदगी में ये बी फार्म मुझे दिया गया है। मैं आवाम को याद दिलाना चाहता हूँ, आज कल आप हालात देख रहे हैं, एक बी फार्म के लिए क्या क्या लड़ाई हो रहा है। दिल्ली को भाग रहे हैं, बेंगलुरु को भाग रहे हैं, हर लीडर का पीछे भाग रहे हैं, किसी का पावा पड़ रहे हैं, जो बी फार्म नहीं दिया बोलकर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। एक एक लीडर हर इलेक्शन में एक एक पार्टी में रहता है, बहुत आपस में फाइट है। ये तमाम चीजें एक साइड में आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। दूसरी तरफ आप एसटीपी को देखिए, एसटीपी के बी फार्म के लिए कुछ झगड़ा नहीं है, कोई लीडर इसमें नाराज नहीं है, मुझे टिकट नहीं दिया बोलकर कुछ नहीं है, एक वेरी डिसिप्लिन के साथ। और बी फार्म को हम लोग पैसे नहीं लेते हैं तो वेरी डिसिप्लिन के साथ हमारा स्टेट कमेटी वो जो डिस्ट्रिक्ट इधर कंटेस्ट कर रहे हैं उस पर बुलाकर वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ बी फार्म बने, हमारा अपना हाथ में एक रुपए नहीं लेते हुए, कुछ झंझट नहीं रहते हुए, कुछ झगड़ा नहीं है तो बी फार्म देते। ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई, एक डिसिप्लिनड पॉलिटिकल पार्टी है, कोई झंझट नहीं है बी फार्म में। तो बहुत फख्र महसूस कर रहा हूं मैं इस पार्टी के एक रियासती सदर होकर, इतना हमारे बड़ों ने इस पार्टी को इतना डिसिप्लिन के साथ बनाया, हर चीज में वो डिसिप्लिन नजर में नहीं आता है। एक कुछ भी हमारे जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जो चलता है वैसा कुछ नहीं है, एकदम टाइम इन टाइम तमाम चीजें रेडी होकर आया है। इंशाल्लाह हम लोग 13 तारीख को बरोज जुमेरात हमारा नॉमिनेशन फेल होगा, उस दिन ठीक 11 बजे अलबद्र सर्कल से एक रैली निकलकर जाकर हम लोग नॉमिनेशन करेंगे। मैं आपका माध्यम से तमाम हमारे लोगों को, चाहने वालों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं उस दिन हमारे साथ आकर मुझे हिम्मत अफजाई किए, हमारा पार्टी को ताउन दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इसके जरिए आप तमाम लोग, हम लोग तमाम लोग मिलकर इंशाल्लाह ये नॉमिनेशन फाइल करेंगे। देखिए, एक तो अवाम ये कहते हैं, बहुत सारे लोग को मैं मिलता हूँ हर वार्ड में, हर दिन मैं जाता हूँ लोगों को खुशियों से मिले, मुलाकात करता हूँ, वार्ड में जाता हूँ, तो तमाम अवाम यही बोले हैं क्योंकि आप 14 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर हमेशा हर आवाज़ बनकर काम किए हैं, खिदमत किए हैं, स्पेशली कोरोना का वक्त में जो खिदमत हम लोग किए हैं, तमाम रखते हुए लोग आवाम कहते हैं कि आप 5 साल हारने के बाद भी हमारे साथ थे, फील्ड में थे, काम करते थे, तो इसलिए ये बार आपको सपोर्ट करेंगे, एक बार हिम्मत रखिए बोलकर ऐसा एक सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। देखिए, एक तो हमारे कैडर्स हर दिन एक इखलास के साथ हर घर को जाकर हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हमारे वुमेन्स विंग वाले भी कैंपेन कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स विंग वाले भी, जो भी हमारे यूथ्स है वो लोग भी हमारा काम कर रहे हैं। तो हम जो हमारा जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो बताकर
वो सही तरीके से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। सर एक कुछ और बताया था कि दूसरी सियासी पार्टियों में जो है खुसूसन जब इंतखाबात आते हैं उस वक्त जो है पैसा देकर जो है लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को जो है जमाया जाता है, एसडीपीए में ये कहां तक ठीक है कि लोग अपनी खुदी से आते हैं? देखिए एसटीपी को लोग जानते हैं क्योंकि वेरी क्लियर है एसटीपीआई अपने मफाद के लिए काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हम सियासत को हमारा खुद का बिजनेस नहीं समझे, हमारा करियर नहीं समझे, ये बहुत बड़ा एक कॉज के लिए है, अवाम के लिए है, पब्लिक के लिए है, गरीबों को मजलूमों के लिए हम काम करें, ये लोग जानते हैं। तो इसलिए लोग अपने आप को वॉलेंटियरली आकर हमारा प्रोग्राम में भी जुड़ते हैं, हमारे रैलियां में जुड़ते हैं, उनको कोई देने का जरूरत नहीं है, लोग हम लोग ही देते हैं। बहुत सारे लोग मुझे अभी इलेक्शन का टाइम में जो बुलाते हैं बात करने के लिए बुलाकर उन लोग पार्टी के लिए भी ताउन माली ताउन भी कर रहे हैं। अभी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारा एक सपोर्ट रहना चाहिए बोलकर माली ताउन भी कर रहे हैं। ये बार अवाम डिसाइड किया है, वोट के साथ नोट भी देंगे एसटीपी को। देखिए एनआर हलके के अंदर जो 18 से 25 साल उम्र के करीब करीब 35,000 लोग हैं, अगर 18 से 35 एज का लोग रखेंगे तो करीब करीब 95,000 लोग हैं। ये यूथ जो है हमारा फ्यूचर है, तो यूथ्स के लिए कुछ मुझे ख्वाब है, यूथ्स को सही रास्ता दिखाना है, सही विजन सेट करना है, इनको इनका एजुकेशनल और इनका एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या करना है इन फ्यूचर में हम लोग इसको करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हम लोग एक प्लान किए हैं मरहूम हजीज सेठ साहब का नाम पे एक अकाडमी इधर इंशाल्लाह एस्टैब्लिश करेंगे, उस अकाडमी के जरिए हमारे यूथ्स को जो जॉब लेने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो फेस करना है उसमें कांस्टेबल से लेकर आईएएस आईपीएस तक जो भी एग्जाम को फेस करने के लिए उनको सही तरीके से ट्रेनिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए, वो कोचिंग में दिया जाएगा। उसका साथ साथ करियर गाइडेंस, देखिए चलो बच्चों को ऐसा है उनका पेरेंट्स को एजुकेशन नहीं रहता, एसएलसी के बाद क्या करना, पीयूसी के बाद क्या करना, डिग्री के बाद करना, ये सही दिशा सही गाइडेंस हम लोग दिखाना है। वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर भी हम लोग एनआर में हम लोग करने वाले हैं, इसलिए उसके साथ साथ जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो हम लोग करेंगे। देखिए उम्मीद तो खुदा के है, हम लोग मेहनत करना है इंशाल्लाह, उम्मीद तो है ये बार अवाम मेरा साथ देगी क्योंकि दो बार हराए हैं, ये बार मुझे उम्मीद देंगे। बस मैं उम्मीद रखता हूं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता इतना परसेंट ये परसेंट बोलकर, मैं उम्मीद रखता हूं क्योंकि जीत हार देने वाला खुदा है, इंशाल्लाह हम उम्मीद के साथ उम्मीद रखेंगे और हम लोग मेहनत करते जाएंगे। अवाम अगर अवाम को हमारे जो हमारा जो काम जो हक के लिए हम लोग कर रहे हैं, सच के लिए हम लोग रास्ते पर उतर कर रहे हैं, हर दिन हम लोग फिक्र कर रहे हैं गरीबों का मजलूमों का, उनको उनका डेवलपमेंट करने का, अगर अवाम वो समझती है तो जरूरत जरूर हम लोग को साथ देगी। जब से मैं अपना चैनल स्टार्ट किया हूं सर, तब से जो है उर्दू में एमएलए को जो है रुकन असेंबली कर रहा है, तो मैं अपनी जुबान से हर बार रुकन असेंबली एक नाम ले रहा हूं, इंशाल्लाह अगर अवाम मेरा खिदमत चाहती है, हमें बिना एमएलए से इतना खिदमत हम लोग कर सकते हैं, तो एक एमएलए का पावर दिए तो अवाम को बहुत फायदा होगा, गरीबों का फायदा होगा, तो अवाम मेरे से खिदमत लेना चाहते हैं तो जरूर अवाम मेरा साथ देगा।